चार टांगों वाला भी मौला अली भी मौला, ये बात तो पच जाती। जिस पर चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह लानत करे मुख्तार सख्ती पर, वो भी अलैहि सलाम अली भी अलैहि सलाम, ये बात तो समझ में आती है। 3 साल पहले तो ईमान लाए थे, कौन सी आयत लिखी थी अमीर मुआविया ने? मैं बताऊं, कुरान की जो सूरत लिखी थी सैयदना अली जल मुर्तजा ने, उससे अगली सूरत लिखी थी अमीर मुआविया ने। अब सूरत अली वाली तू दिखा, अमीर मुआविया वाली तुझे मैं दिखाता। रहा यह मामला के सैयदना अमीर मुआविया सन 8 हिजरी में ईमान लाए बकौल मलंग। सन 9 हिजरी रमजान का महीना पहली तारीख ग़ज़वे तबूक हुआ तो महबूब पैगंबर मदनी करीम के यारों की तौबा का ऐलान अल्लाह ने कुरान में किया, 9 हिजरी में किया। मुआविया ने कुछ भी ना लिखा हो तो ग़ज़वे तबूक वाली मेरे भाई आया सूरत तौबा की लिखी तो तब भी तो कातिल कुरान। नहीं, बंदा काबिल ही था, इनके अब्बा ने सिफारिश की। मैं जो आज मौलाना नजीर साहब से कहूं कि आप ऐसा करें, मेरे बेटे को अपने मदरसे में आप यहाँ पे मुदर्रिस रखें कुरान पाक का। अगले साल रिजल्ट आया, बच्चे सारे फेल। फिर मुझे खैरियत है, उस्ताद निकम्मा था। क्या हुआ? कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, रखा किस ओहदे पर था कुरान पढ़ाने के लिए? तो सारे कहते रखा क्यों था? वो मेहमान थे, शाह साहब ने सिफारिश की। कहेंगे शाह साहब को छोड़ो, आप बताओ इस ओहदे पर बंदा रखना कैसा है, जिम्मेदारी आपकी थी, आपने क्यों रखा? अगर नौज़बिल्लाह सैयदना अमीर मुआविया कातिल कुरान बनने के अहल नहीं थे तो एतराज बाबा पर भी कोई नहीं, अमीर मुआविया पर भी कोई नहीं, एतराज तो अल्लाह के नबी पर होगा कि आपने 2 नंबर बंदा इस ओहदे पर रखा। तो हमारा तो ईमान अकीदा नजरिए अल्लाह के नबी जब जहां जिसे जो ओहदा दे दे बंदा काबिल होता है तो अल्लाह के नबी ओहदा देते। चढ़ती जवानी वाले अली को अल्लाह के नबी ने यमन का काजी बनाया, अली इस काबिल था तो नबी ने बनाया था। फतह खैबर के मौके पर अली इस काबिल था तो नबी ने झंडा पकड़ाया था। दुनिया से जाते जाते अल्लाह के नबी ने अपना मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक को दिया, बूढ़ा अबू बकर इस काबिल था तो नबी ने उम्मत का इमाम बनाया था। कातिब कुरान था इस काबिल था। मसला यह था, किताबत कुरान कोई ऐसी कोई अहम बात थोड़ी है। इससे पहले एक बंदा और भी कातिब कुरान था और उसे अल्लाह के नबी ने कत्ल करवा दिया। अगर ये ओहदा इतना अहम तरीन होता तो अल्लाह के नबी इनसे पहले वाले कातिब कुरान को कत्ल क्यों करवाते? हम कहते मलंगा तेरे मुंह में घी और शक्कर और तेरी पुष्प चित्तर ही चित्तर। भाई यहां पर तेरे एतराज ही में तेरा जवाब है। जिसने गड़बड़ की नबी ने कत्ल करवा दिया, लेकिन अमीरे मुआविया को अल्लाह के नबी ने जिंदगी के आखिरी सांस तक ओहदे से हटाया क्यों नहीं? इसलिए कि अमीरे मुआविया कुरान में डंडी नहीं मारता था, मुनकरे कुरान के सर पर डंडा मारता था। अगर अमीरे मुआविया गड़बड़ करते तो अल्लाह के नबी तब्दील। 3 साल तो हुए थे सारे, इसमें इतना बड़ा ओहदा मनसब कैसे ले गया? कोरोना का दौर था, हुकूमत थी अमीरुल मोमिनीन जनाब इमरान खान, बेरोजगारी, किसी अल्लाह वाले ने राशन तकसीम करना शुरू कर दिया। ऐलान ये कि जो बंदा आएगा उसको 1 किलो घी देंगे, 2 किलो दालें देंगे, 4 किलो उसको, 5 किलो आटा भी दे देंगे। एक बंदा शाम के टाइम में आया, उसने कहा मुझे पता अभी लगा था कि आप राशन तकसीम कर रहे हैं, खुदा के लिए मुझे कुछ दे दीजिए। तो देने वाले ने उसे क्या दिया? 2 किलो उसको घी दे दिया, 3 किलो उसको आटा दे दिया, 3 किलो उसको मेरे भाई घी दे दिया, 5 किलो उसको दालें दे दी, 10 किलो चावल दे दिए, जो भी था दे दिया। अभी लेकर चला जो सही कितु ले गया, कितु ले गया, उसी से लेके इतना लड़की में मिल गई। तो सारे के अकल को हाथ मार, लेने वाले को ना देख, देने वाले को। और देने वाला जब देने पर आए तो इतना देता है कि वो किसी को फर्शों से उठा के अर्श वाले का दोस्त बनाने में 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन 3 घंटे 3 मिनट लगाता, एक ही लम्हा होता है कि मदीना के मजदूर के हाथों को चूम के खुदा के रसूल फरमाए अपने हाथों से रोजी कमाने वाला तो अर्श वाले का दोस्त। 3 साल 3 महीने नहीं, एक ही नजर में जो अरब के बेनाम जरों को अबूजर बना दे उसी को आमला का लाल कहते हैं, जो अबूजर को अबूजर की फारी बना दे उसी को आमला का लाल कहते हैं, और जो अबूजर की फारी को मुहम्मद का इमाम बना दे उसी को अल्लाह के नबी कहते हैं, और एक
सलमान करते, मुसलमान को सलमान करते, सलमान को फारसी बनाते और फारसी को अहले बैत में शामिल कर दे, उसी को आमना का लाल कहते। यहां पर बातें महीने सालों की कोई नहीं, खाते में कुरान कैसे बन गया? खाते में कुरान जब पूछता कौन है कि जो अभी तक बेचारा मुंतजर है कि बरतानिया हमारे चार नुस्खों की तस्खीर या फिर तस्दीक कर दे, फिर असली कुरान कौम के सामने भेजता? यानी हमारे मशरक वालों का नबी बरतानिया का तस्दीक शुदा, मगरब वालों का कुरान तो भाई बरतानिया का, जो चीज जहां से आती है तस्दीक वहीं से होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद भी तस्दीक शुदा, फर्शों के नहीं अर्श वाले, कुरान भी तस्दीक शुदा, नबी भी तस्दीक शुदा, सहाबा भी तस्दीक शुदा, वो भी किसके? तारीखी रिवायात के नहीं, कुरान की आयात के। कैसे बन के कातिल? पंजाबी में तो सालों छंडो थे अपनी मंजिल तले डांग, जी भाई, और डांग भी किसी अच्छे से बुढ़े तबलीगी हो तो बहुत नफा हो जाएगा। हम पे एतराज करने से पहले अपनी किताबों को देखिए कि आपके अब्बा ने, दादा ने, परदादा ने, लक्कड़ दादा ने, भक्कड़ दादा ने, सब ने तेरी किताबों में लिखा कि अमीर मुआविया कातिल कुरान है। किताब अल फखरी इब्ने तबातबाई लिखा यही कि अमीर मुआविया कातिल कुरान है। तारीख यकूबी लिखा यही कि अमीर मुआविया कातिल कुरान है। नहजुल बलागा शरह इब्ने अबी हदीद लिखा यही कि अमीर मुआविया कातिल कुरान है। मानियुल अखबार शेख सद्दूकी लिखा यही कि अमीर मुआविया कातिल कुरान है। मेरे भैया अनवार नमान या नेमतुल्लाह जदारी की लिखा यही कि अमीर मुआविया कातिल कुरान है। तारीख तिबरी लिखा यही कि अमीर मुआविया कातिल कुरान है। अल एहतजाज लिखा यही कि अमीर मुआविया कातिल कुरान है। तनकीहुल मकाल अब्दुल्ला मामकानी सफा नंबर 222 लिखा यही कि अमीर मुआविया कातिल कुरान है। और अमीर मुआविया 3 साल तक खुदा के रसूल के सामने यूं बैठे कि जिब्राइल जो लाता था नबी सुनाते थे, मुआविया सुनता था, हाथों से लिखता था, उम्मत तक पहुंचा था। तो मुआविया लाता क्या था, लिखता क्या था? नहीं, मसला यह है अमीर मुआविया खानदान अच्छा नहीं था। तो क्या कौन रहा है अभी तक यूनियन काउंसिल में जिसके बेफारम का दूसरा खाना खाली पड़ा? खुद यूनियन काउंसिल वाले परेशान है, क्या लिखते हैं यहां पर? नामालूम अपराध की इज्तवाई कर रही है। ये एतराज उस पे कर रहा है जिस खानदान को अल्लाह ने महबूब पैगंबर का ससुराल बनाया।